बहुत ही महीनों से प्लान करके रखा था बिकॉज आई एम एट माई स्टूडियो. दिस इज माई क्राफ्ट स्टूडियो वेयर आई वर्क एंड वेयर आई डू ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंग्स. और ये थोड़ा बोर सो मैंने पिंटरेस्ट से बहुत सारे इंस्पिरेशंस निकाले हैं, कुछ आपकी स्क्रीन में अभी होंगे. एंड इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए चलते हैं मेरे ड्रीम मेकओवर की तरफ. और हमारे साथ है मेरा कजिन आतिफ जो मुझे हेल्प करने वाला है, एंड ही इज़ द ओनली वन जो मेरे को क्राफ्ट में हेल्प करता है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मेकओवर के लिए क्या क्या सोच के रखा है. सो दैट्स माई होल मेसी क्राफ्ट रूम एंड आतिफ इज़ ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी. तो मैंने यहाँ पे होल पेस्टल शेड्स का कलर करने का सोचा है. कुछ कुछ वॉल्स पे मैं सर्कल ड्रॉ करके उस पर कलरफुल करूँगी. वार्डरोब और डोर को भी मैंने वाइट पेंट करने का सोचा है. मैंने ये एशियन पेंट का कलर खरीद के रखा है विच इज़ इन वाइट कलर, और ये ऑयल पेंट है. सो आई गेस ये वॉल डोर और प्लास्टिक कोट के साथ है तो ये सारी चीज़ों में चल जाएगा. इसके साथ मैंने छोटा छोटा एक्रेलिक्स भी खरीद के रखा है जो कि स्टेन का काम करेगा, क्योंकि आई वॉन्ट समथिंग इन पेस्टल शेड्स. सो मैंने चार कलर खरीदा है, ये आपकी स्क्रीन में ये शेड्स आपको दिख जाएंगे. तो लेट्स सी कि कैसे टर्न आउट होता है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम पेंटिंग वॉल्स एंड डोर्स. सो ये लेट्स गेट इनटू इट. सो सबसे पहले मैंने सैंड पेपर से वॉल्स और टेबल को अच्छे तरीके से डस्ट फ्री कर लिया. उसके बाद मैंने थोड़ा पुट्टी लेके वाइट पुट्टी से हर जगह होल्स को फिल कर दिया. एंड आफ्टर दैट मैंने अपना एशियन पेंट का कलर में थोड़ा सा अल्कोहल मैंने मिलाया. दैट वाज कॉल्ड टारपिन और सॉर्ट ऑफ थिंग, आई विल राइट द नेम, आई डोंट नो. उसके बाद मैंने अपने स्टडी टेबल को वाइट किया. तो पहले ही वाइट ही था बट इसका कलर अब उतर गया, चेंज हो गया. तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा कलरफुल करूँ तो आपको आगे देखने को मिलेगा. देन फिर मैंने अपना चार पेस्टल शेड्स बनाए आप एक्रेलिक कलर के साथ, और मैंने स्वेचेस भी ले लिया. आफ्टर दैट मैंने अपने वॉल पे एक आर्क बनाने का सोचा है, तो उसके लिए मैं स्केल से कर रही हूँ काम. और अगर आप चाहते हो तो आप मास्किंग टेप से भी कर सकते हो. एंड देन मैंने यहाँ पे शेड लैवेंडर चूज़ किया है, और उसको मैं अपने आराम से दो नंबर वाले ब्रश के साथ फिल कर रही हूँ. एंड ये फिल होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ है आतिफ जो मेरा हेल्प कर रहा है पेंट करने में, मेरा स्टडी टेबल. एंड देन आफ्टर पेंटिंग मैंने इस पर थोड़ा सा अलग अलग पेस्टल शेड्स यूज़ किए हैं इसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए. एंड देन आफ्टर दैट मैंने अपने जो बेड वाले पीछे के जो वॉल थे बैक वॉल, मैंने उस पर एक चार आर्क बनाने का सोचा. फिर मैंने सोचा कि पांच बना देते हैं, एंड उस पर मैंने आस्ते आराम से और बहुत धीरे से कलर पेंट किया क्योंकि मेरे पास स्कॉच टेप एंड मास्किंग टेप नहीं थे. और ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है, वो आप आगे देखोगे. तो यहाँ आतिफ ने वीडियो सही से नहीं लिया तो ये ऐसा बना है, बट द रियल लुक इज लाइक दैट ओनली. तो इट्स द सेकेंड डे गाइज, और आज मेरे दोनों भाई काम में लग गए हैं, अपनी बहन की मदद के लिए आ गए हैं. और मैंने सारे चीज़ों को पेंट कर लिया, लाइक आई सेड कबर्ड को भी मैंने पेंट किया है. और ये डोर बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है. वीडियो में थोड़ा लाइट लग रहा है आई नो, बट इन रियलिटी इट इज़ लुकिंग डैम प्रिटी. उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक सर्कल बनाऊंगी जिसके अंदर मैं इंस्पायर यू क्रिएशन का इनिशियल लाइक वर्ड्स आने वाला है. सो हाय गाइस, इट्स द थर्ड डे एंड फाइनली पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है. तो आप देख सकते हो द फाइनल लुक ऑफ दिस, एंड दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट. एंड हाउ अबाउट दिस, अभी भी इस पे इंस्पायरिंग क्रिएशन आना बाकी है. एंड दिस इज द वन बिहाइंड मी, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ. वाओ, तो ये था पेंटिंग ऑफ माई स्टूडियो.
वेट फॉर द सेकेंड पार्ट, बिकॉज सेकेंड पार्ट में आपको दिखने वाला है बहुत ही अमेजिंग DIYs, क्योंकि अभी तो काम सिर्फ शुरू हुआ है. अभी मैंने बहुत कुछ सोचे हैं, जैसे and there is lot of DIYs coming on my channel. Stay tuned for it. So I will see you in the next video. Till then, keep inspiring. Bye bye.